हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है एंड मैं आपका मैथमेटिक मेंटर। बहुत से बच्चे हमें जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। मेरा नाम अनिकेत पाठक है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो है एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने चल रहे हैं। आपका टाइम न लेते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज प्रश्नावली 3 की जो है कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो हम आपको बताएंगे ज़रूर इस क्लास के अंत में, और जिसको हम लोग कवर करेंगे अगले वाले क्लास में। तो आज आपका जो सवाल है डियर स्टूडेंट, 1/2x + 1/3y = 2 है, 1/3x + 1/2y = 13/6 है। तो प्यारे बच्चों, सवाल कर रहा है समीकरण के युग्म को बदलो, जो दिए गए युग्म है उनको बदलिए तब सॉल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने आपको तरीके बता दिए लगाने के, आपको मालूम हो जाना चाहिए क्या करना रहना है। तो प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान से समझिएगा, आपके जो सवाल हैं वो इस प्रकार हैं। तो आप करेंगे क्या, सोचिए कि यदि हम आप लोग इसको मान लिया जाए कि इनको ऐसे क्या करा कि जो इनके समीकरण युग्म है उनको आप चेंज कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, यहाँ 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो क्या ये दोनों चीज़ें आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है डियर स्टूडेंट? तो वही हम करेंगे। माना क्या, माना 1/x बराबर u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट? u समीकरण नंबर, इसे आप इसे पहले 1 बना लीजिए, ठीक। इसे क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। इसे आप 3 बना लेंगे, ठीक डियर स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे, 1/y बराबर v समीकरण नंबर 4 बना लिए प्यारे बच्चों। चलिए समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण एक क्या करा, 1/2 है। तो आप देखिए, 1/x को आपने क्या मान लिया है? u मान लिया है। तो क्या ये u/2 हो जाएंगे? फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ क्या है, 1/y को आपने मान लिया है v, तो क्या हो जाएगा, v/3 हो जाएंगे। बराबर क्या है प्यारे बच्चों? 2 है। फिर बटे आप 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार समीकरण 2 से, या तो आप इसको पहले हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 6, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 3u आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2v आ जाएगा। बराबर क्या है? 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 3u + 2v, 6 दूनी कितने होते हैं? 12। समीकरण नंबर 4 बना लिए थे, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 5 बना लेंगे प्यारे बच्चों। फिर इसी तरह समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 1 को आपने चेंज किया, समीकरण के युग्म चेंज हो गए, ये जो बटे में थे वो आपके इस रूप में आ गए, एक नॉर्मल इक्वेशन मिल गया, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण कहाँ से? 2 से प्यारे बच्चों। समीकरण दो क्या करा, देखिए 1/x को क्या माने हैं आप? u माने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u/3 हो जाएंगे। फिर 1/y को आपने माना v, क्या होगा? v/2 हो जाएगा। बराबर कितना है? 13/6 प्यारे बच्चों। फिर से वही, 3 दूनी 6 हो गए। 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई यूज़ करोगे 2u, फिर 3 का मल्टीप्लाई v करोगे 3v, बराबर 13/6। 6 से 6 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो 2u + 3v बराबर 13, समीकरण नंबर 6 प्यारे बच्चों। देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, जो समीकरण 4 है और जो समीकरण 5 है, वो ये यहाँ नहीं बोला है कि आप प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगाओ, वज्र लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे जो भी विधि लगा सकते हैं। तो हम कौन सी विधि अपनाते हैं? विलोपन विधि। कौन सी विधि अपनाते हैं डियर स्टूडेंट? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। इतिहास लिखेंगे, विलोपन विधि से, ठीक। अब देखिएगा समीकरण 4 और 5 को हल करने पर,
तो समीकरण चार, ध्यान से समझिएगा, विलोपन विधि आप क्या करते थे, किसी न किसी एक पद को क्या कर देते थे, विलुप्त कर देते थे। तो प्यारे बच्चों, हम अपने क्लास में बता के रखे हैं कि आपको कहीं ढूंढना नहीं है कि किसका मल्टीप्लाई करें, किससे पूछें, पड़ोसी से पूछें कि बगल वाले से पूछें, कुछ नहीं। देख रहे हो यहाँ दो दो दिखाई पड़ रहा है, आप दो का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो सब में, और तीन का मल्टीप्लाई इस सब में कर दीजिए, और घटा दीजिए, ये पद विलुप्त हो जाएंगे। तो समीकरण लिखते हैं दो गुणे समीकरण चार, समीकरण चार माइनस तीन गुणे समीकरण पाँच, तीन गुणे समीकरण पाँच, ठीक। ये प्यारे बच्चों, अब चलिए दो का गुणा कीजिए, दो त्याई छः यू, फिर दो दूनी चार वी, फिर दो बरह में चौबीस, मल्टीप्लाई कर लिए दो का। अब तीन का इसमें करना, देखिए तीन गुणे समीकरण पाँच है ना, तो तीन दूनी छः यू, फिर तीन त्रिका नौ वी, फिर तीन तरह में उनतालीस, कर ली मल्टीप्लाई। फिर क्या करना था, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक। अब देखिए छः यू में से छः यू कैंसिल हो जाएंगे, चार में से नौ घटा दोगे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस पाँच वी। अब 24 में से 39 घटा दोगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, घटाइएगा तो 15 आएंगे, माइनस 15। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5v बराबर कितना है 15, ये देखिए 5 के 5 पाँच ही 15, तो v बराबर क्या आ गए 3 आ गए, v बराबर क्या आ गया डियर स्टूडेंट 3 आ गया। अब v का मान आप चाहे समीकरण 4 चाहे समीकरण 5 में रख दीजिएगा, v बराबर 3 समीकरण चार में रखने पर, तो चार में रखिए, तो समीकरण चार क्या है प्यारे बच्चों, तीन यू है प्लस टू वी है बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ तीन यू करते हैं प्लस टू वी का मान कितना है 3 है बराबर कितना है 12, फिर तीन यू प्लस दो त्याई छः, 12, छः उधर चले जाते हैं डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 12 माइनस छः, ठीक। अब देखिए 12 में से 6 घटा दिए कितना आ गया, अच्छा कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6 u बराबर 2, तो आपको u और v का मान नहीं निकालना है, आप u और v तो मान चुके हो डियर स्टूडेंट, आप u बराबर क्या माने हैं 1/x, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u के मान पे क्या रख देंगे, तो ठीक प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x बराबर क्या आ गया 1, x का मान चाहिए था x बराबर क्या आ गया 1/2, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। फिर क्या समीकरण, ठीक समीकरण चार से, समीकरण चार से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपने माना है 1/y बराबर क्या माने हैं v, अब ध्यान से समझिए v के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों v बराबर यहाँ 3 है, 1/y बराबर क्या कर देंगे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y बराबर कितना आ गया 1, y बराबर क्या आ गया 1/3, तो इस प्रकार आप x और y का मान समीकरण युग्म बदल के ज्ञात कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट आपको सवाल समझ में आए होंगे, तो सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब इसका दूसरा नंबर क्या कर रहा है 2/√x है, ठीक, फिर क्या है प्लस 3/√y है, ठीक बराबर कितना है 2 है, फिर क्या है 4/√x है, फिर क्या है -9/√y, फिर बराबर -1, ठीक प्यारे बच्चों इसका भी समीकरण युग्म बदलेंगे और हल करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप क्या इस 2/√x को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे 2 का गुणा 1 में कर देंगे फिर 2/√x आ जाएगा, अरे 4 है तो क्या 4 ऐसे इसको नहीं लिखा जा सकता, तो आप देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ यहाँ इसमें भी कॉमन है, तो यही मान लेंगे प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे, माना 1/√x बराबर यू, समीकरण नंबर क्या मानेंगे 3, ठीक। इसी प्रकार देखिए 1/√y दोनों में कॉमन है, तो
एक बटे अंडर रूट टू वाई बराबर वी, समीकरण नंबर चार। मान लिए अब क्या करेंगे, चलिए समीकरण एक को देखते हैं, समीकरण एक के युग्म को बदलते हैं। तो समीकरण एक से देखिए, एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर यू माने हैं, तो ये दो को एक तरफ भूलिए जरा सा, तो दो क्या हम दो बटे अंडर रूट जो एक्स है उसे हम लिख सकते हैं दो गुणे एक बटे अंडर रूट एक्स, और ये आप पूरा क्या मान चुके यू, तो क्या यहाँ पर टू यू आ जाएगा। अब देखिएगा फिर यहाँ पर क्या है, अब इसी स्टेप को फिर से समझते हैं, क्या है, क्या तीन गुणे एक बटे अंडर रूट वाई लिख दिए, इसको पूरे को क्या माने वी, तो क्या आ गया थ्री वी आ गए, तो टू यू प्लस कितना आ गया थ्री वी बराबर कितना है टू, समीकरण नंबर कौन सा आ गया प्यारे बच्चों पाँच आ गए, क्या आ गए पाँच आ गए। फिर क्या करना है, समीकरण दो को देखना है, समीकरण दो से, तो समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ भी वही करेंगे, तो यहाँ चार यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा चार यू, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस नौ वी बराबर माइनस एक, समीकरण नंबर छः। तो प्यारे बच्चों फिर से देखिएगा, आप विलोपन लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे जो विधि लगाओ, तो कौन से उपयोग कर रहे हैं विलोपन विधि से, कौन सी विधि से विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से समीकरण चार और पांच को हल करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने फिर से कहा कहीं नहीं भूलना है, कहीं नहीं भटकना है, चार का मल्टीप्लाई इसमें, दो का मल्टीप्लाई इसमें, तो लिखेंगे चार गुणे समीकरण पांच और माइनस दो गुणे समीकरण छः से, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए चार का गुणा यहाँ करेंगे, तो चार दुनी आठ यू, फिर चार त्याई बारह वी बराबर चार दुनी आठ, फिर दो का गुणा दो चौके आठ यू, फिर दो नवा अट्ठारह वी फिर बराबर माइनस दो, क्या करना था माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, ये भी प्लस, तो ये कैंसिल प्यारे बच्चों, 12 और 18 जोड़ देंगे, 12 और 18 जोड़ देंगे कितना आएगा 30 वी आएगा, इधर 8 और 2 जोड़ देंगे 10 आएगा, तो प्यारे बच्चों 10 इक्के 10 10 यानी 30, तो यहाँ आपको क्या मिला, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मिला होगा 3 वी बराबर 1, क्या मिला 1, वी का मान चाहिए तो वी बराबर ये 3 इधर आ जाएंगे 1 बटे कितना आ जाएगा 3, तो प्यारे बच्चों V का मान मिल गया। आप इस V का मान चाहे समीकरण चार या पाँच दोनों में रख सकते हैं, चाहे जहां रख सकते हैं, तो V बराबर एक बटे तीन समीकरण चार में रखने पर, चार में रखने पर, तो समीकरण चार क्या है 2U प्लस 3V बराबर दो, तो 2U लिखे रहते हैं प्लस 3 V के स्थान पे क्या रखना है एक बटे तीन रखना है बराबर दो, तो प्यारे बच्चों तीन से तीन कैंसिल हो गए, तो 2U प्लस एक बराबर दो, एक उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों दो माइनस एक हो जाएगा, दो में से एक घटा है एक आ गया 2U, अब दो इधर चला जाएगा तो U बराबर एक बटे कितना आ गया दो, U बराबर एक बटे दो आ गए। तो प्यारे बच्चों अगले सवाल के जैसे फिर से करेंगे, U और V के मान तो हमको फाइंड आउट करना नहीं है, हमको X और Y ज्ञात करना है, तो समीकरण तीन से, समीकरण तीन, समीकरण तीन से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वन अपान अंडर रूट एक्स है बराबर क्या था U था, ठीक प्यारे बच्चों एक बटे अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स, ठीक U, U का मान देखिए एक बटे दो है, क्या है एक बटे दो, तो एक बटे दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा दो, तो अंडर रूट एक्स नहीं एक्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो जब आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट हट जाएगा, किसी भी अंडर रूट की संख्या में गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ये दो दूना कितना हो जाएगा चार, एक्स का मान चार आ गया, ठीक प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार समीकरण चार से, समीकरण चार से, समीकरण चार से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या है वन अपान अंडर रूट वाई बराबर कितना है वी है, तो वन अपान अंडर रूट वाई, ठीक वी का मान, तो वी का मान आप देखिए कितना है एक बटे तीन है, एक बटे तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तब क्या आ जाएगा अंडर रूट वाई आ जाएगा बराबर
तीन, फिर से वही दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ वाई आ जाएगा और तीन का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, नौ। एक्स और वाई के वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिए प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम लोग समीकरण के युगों को बदल कर लगाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका आप चार नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सा नंबर भैया, चार नंबर। चार नंबर क्या करें, पाँच बटे एक्स माइनस वन है। तीन नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं, अगर दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। प्लस कितना है, वन अपान वाई माइनस दो है, बराबर कितना है प्यारे बच्चों, दो है। ठीक इसी प्रकार एक और है, छः बटे एक्स माइनस एक है, फिर क्या है, माइनस तीन बटे वाई माइनस दो है, फिर क्या है, बराबर एक है प्यारे बच्चों, ये दो है आपका। ठीक समीकरण नंबर आप एक बना लीजिए, समीकरण नंबर दो बना लीजिए। फिर से आप देखिए, क्या यहाँ पर हम लोग देखें तो पाँच गुड़े क्या एक बटे एक्स माइनस एक लिख सकते हैं, फिर इसको देखें तो छः गुड़े एक बटे एक्स माइनस एक, क्या ये चीज़ दोनों चीज़ कॉमन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यू। तो एक बटे एक्स माइनस एक बराबर क्या मानेंगे, यू मान लिए। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक बना लिए। अब क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी क्या मानेंगे, देखिए वाई माइनस दो, वाई माइनस दो, तो एक बटे वाई माइनस दो बराबर क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, समीकरण नंबर चार कर लेते हैं। ठीक अब समीकरण एक को देखते हैं जरा सा, समीकरण एक के बदलते हैं हम लोग। तो समीकरण एक से देखिए, आपने इसे क्या लिखा, पाँच गुड़े एक बटे एक्स माइनस एक, क्या इसे आपने यू माना है, क्या माना है, यू। तो यहाँ यू कर दोगे तो पाँच यू आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पाँच यू, क्या आएंगे, पाँच यू। अब देखिए प्लस, इसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा, इसे आपने वी मान लिया तो ये पूरा वी हो जाएगा, बराबर कितना, दो। समीकरण नंबर कौन से आ गए, पाँच आ गए, कौन से आ गए प्यारे बच्चों, पाँच। इसी प्रकार समीकरण दो से देखेंगे, कौन से, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या कर रहा है, देखिए छः बटे एक्स माइनस वन है, इसे छः यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छः यू प्लस क्या, सॉरी माइनस है, माइनस तीन वी बराबर कितना है, एक है, समीकरण नंबर छः। फिर से विलोपन विधि उपयोग करते हैं, कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या रहता है, एक पद आप विलोपित करोगे, विलोपन विधि से हल करने पर, तो देखिए छः है तो छः का मल्टीप्लाई इसमें और पाँच का मल्टीप्लाई इसमें, तो लिखेंगे छः गुणे समीकरण चार माइनस पाँच गुणे समीकरण पाँच से। ठीक तो चलिए छः का गुणा करते हैं, छः पंचे तीस यू, फिर छः वी बराबर छः दूनी बारह, फिर पाँच का मल्टीप्लाई करते हैं, पाँच छः तीस यू, फिर पाँच आई पंद्रह वी बराबर पाँच एक के पाँच, फिर क्या करते हैं आपको माइनस करना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, प्यारे बच्चों ये कैंसिल, प्लस पंद्रह और छः जोड़ दिए कितना आ गया, इक्कीस वी आ गया बराबर, बारह में से पाँच घटा दिए सात, तो सात इक्के सात, सात त्रिक इक्कीस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिला थ्री वी बराबर, देखिए थ्री वी बराबर एक मिला है, वी का मान निकालेंगे तो वी बराबर एक बटे तीन आ गए, क्या आ गए, वी बराबर एक बटे तीन आ गए प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, इसी वी का मान समीकरण चार में रख देते हैं, तो वी बराबर एक बटे तीन समीकरण चार में रखने पर, तो समीकरण चार क्या है प्यारे बच्चों, ये है पाँच यू प्लस वी बराबर दो है, क्या है प्यारे बच्चों, दो। अब देखिए यहाँ पाँच यू, वी का मान कितना है, एक बटे तीन है बराबर दो, एक बटे तीन उधर चले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो पाँच यू, तो दो ये एक बटे तीन उधर गए, माइनस एक बटे तीन, इन्हें हल कर डालो प्यारे बच्चों, हल कीजिए, तीन और एक का एलसीएम तीन, तीन दूनी छः, एक एक के एक, ठीक तो कितने आ गए, छः में से घटाए पाँच बटे तीन और इधर आ गए पाँच यू, तो पाँच से पाँच कैंसिल हो गए, एक आ गए यहाँ, यू बराबर एक बटे कितना आ गया, तीन। तो यू और वी का मान आपने निकाल लिया डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या निकालना है,
आपको यू और वी के मान नहीं निकालने हैं, आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान। तो समीकरण एक, ये देखिए समीकरण तीन होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक। तो समीकरण तीन से, समीकरण तीन से, तो समीकरण तीन क्या है प्यारे बच्चों, एक बटे एक्स माइनस एक बराबर यू माने है ना, एक बटे एक्स माइनस एक, यू का मान आप देखिए एक बटे कितना आया है, तीन आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स माइनस एक का मल्टीप्लाई एक से करोगे, एक्स माइनस एक, तीन एक के तीन, एक उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीन प्लस एक हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया, चार। डी स्टूडेंट, तो ये एक्स का मान आ गया। इसी प्रकार हम कौन से समीकरण को देखेंगे, समीकरण चार को, समीकरण चार से। तो समीकरण चार क्या कहता है, एक बटे वाई माइनस दो बराबर कितना है, वी है, तो वी के स्थान का मान आप देखिए कितना, एक बटे तीन, एक बटे वाई माइनस दो, वी का मान एक बटे तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस दो बराबर कितना आ गया, तीन, दो को उधर कर देंगे तो y बराबर तीन प्लस दो हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, पाँच। तो इस प्रकार आप x और y के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एकदम इजी नॉर्मल तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल की तरफ चलने से पहले हम आपको देखते हैं इस क्लास में जो है आज की सवाल में आपको दो सवाल और बता देते हैं प्यारे बच्चों। वो दो सवाल के बाद आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं प्यारे बच्चों तो हम जरूर बताएंगे आपको। तो चलिए उन दोनों सवालों में से आपका सबसे लास्ट वाला सवाल या सबसे एक ले लेते हैं, वी नंबर, थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये आपको। वी नंबर क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, कर रहा है सात एक्स माइनस दो वाई, कितना है, सात एक्स माइनस दो वाई, फिर कितना है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई बराबर कितना है, पाँच है, ठीक। पहले इसको आप देखिए इसको अलग कर दीजिए, तो सात एक्स बटे एक्स वाई, फिर माइनस दो वाई बटे एक्स वाई बराबर कितना है, पाँच है, इसी को अलग कर देखिए, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचा, सात बटे वाई बचे हैं, फिर कितना बचा है, दो बटे एक्स बचा है बराबर पाँच बचा है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब आइए दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है आठ एक्स प्लस सात वाई, आठ एक्स प्लस सात वाई बटे एक्स वाई बराबर कितना है प्यारे बच्चों, पंद्रह, बराबर कितना है, पंद्रह। फिर से अलग करेंगे तो आठ एक्स बटे एक्स वाई, इनको और इनको, प्लस सात वाई बटे एक्स वाई बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, पंद्रह हो गए। तो प्यारे बच्चों ये x से x कैंसिल हो गए, ये y से y कैंसिल हो गए, फिर से यहाँ मिल गया आठ बटे वाई प्लस कितना मिल गया, सात बटे एक्स बराबर पंद्रह। समीकरण नंबर क्या बना लिए, दो बना लिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक बटे वाई, यहाँ भी एक बटे वाई, क्या सात गुणे एक बटे वाई लिख देंगे तो तब भी तो वही आएगा, तो यहाँ भी एक बटे वाई, यहाँ भी एक बटे वाई, दोनों में कॉमन है, तो माना माना एक बटे वाई बराबर यू, समीकरण नंबर तीन कर लिए, ठीक प्यारे बच्चों। फिर देखिए एक बटे एक्स, तो एक बटे एक्स बराबर वी, समीकरण नंबर चार कर लिए, क्या कर लिए, समीकरण चार। अब देखिए समीकरण एक से बदलते हैं समीकरण एक को, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, देखिए सात गुणे क्या है, एक बटे वाई है, ठीक। तो एक बटे वाई को आपने यू माना है तो क्या हो जाएगा, सात यू हो जाएंगे, सात यू, यहाँ कितना हो जाएगा, एक बटे एक्स को वी माने हो तो टू वी बराबर कितना है, पाँच है। तो समीकरण नंबर कौन सा आ गया, ये पाँच आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह समीकरण दो से, सॉरी समीकरण, हाँ समीकरण दो से, तो प्यारे बच्चों समीकरण दो क्या है, तो समीकरण दो क्या, आठ बटे वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आठ यू हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, सात वी बराबर पंद्रह, समीकरण नंबर छः, ठीक। डियर स्टूडेंट हमने क्या कहा, आप चाहे जो भी विधि यहाँ लगा सकते हैं, तो आप कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि, कौन सी विधि लगाएंगे डियर स्टूडेंट, विलोपन विधि। तो देखिए आठ का मल्टीप्लाई यहाँ, सात का मल्टीप्लाई यहाँ, कहीं भटकना नहीं है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से।
तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, 8 का मल्टीप्लाई समीकरण 4 में कर रहे हैं, 8 गुणे समीकरण 4 माइनस 7 गुणे समीकरण 5, समीकरण 5 ठीक। 8 का गुणा कीजिए, 8 सते 56 यू, फिर 8 दूनी 16 वी, फिर 8 पंचे 40, फिर 7 का गुणा इसमें करना है तो 7 अठे 56 यू, फिर 7 सते 49 वी बराबर 15 सते 105। क्या करना है, माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस 16 और माइनस 49 तो प्लस हो जाएंगे, पर माइनस का निशान लगेगा, 9 6 15 4 1 5 1 6 तो 65 वी, और इनमें से इनमें घटा दीजिएगा 105 में से 40 घटा देंगे तो शायद 65 आ जाएंगे, तो 65 वो भी माइनस में, तो ये माइनस से कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, तो कितने आ गए, वी बराबर कितना आ गया, एक आ गया प्यारे बच्चों। अब v बराबर एक समीकरण कौन में रखने पर, समीकरण 5 या समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 क्या कहता है, 8u क्या है, 8u प्लस कितना है 7v बराबर कितना है 15 है, तो 8u प्लस 7, v का मान 1 है प्यारे बच्चों, बराबर 15, ये हो गया 8u और ये प्लस कितना आ गया 7 बराबर 15, 7 उधर चले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 15 माइनस 7 आ जाएंगे 8u, 15 में से 7 घटाए 8, 8 से 8 कैंसिल हो गए, तो u बराबर भी 1 आ गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट, u बराबर 1। आप u का मान जो है समीकरण कहाँ पर, 3 में रख देंगे, तब हमको y का मान मिल जाएगा, और v का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से, तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या देख रहे हैं, 1 बटे y बराबर u है, 1 बटे y बराबर u का मान कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, बटे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 1 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है प्यारे बच्चों, 1 बटे x बराबर v है, तो v का मान आप 1 रख दीजिए, 1 बटे x बराबर 1 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ गए, 1 आ गए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आप x और y के वैल्यू ज्ञात कर लोगे। जो सवाल आपको अजीब और गजीब लग रहे थे वो देखिए कितने सरल लैंग्वेज में आ गए प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्लास का, आज के क्लास का एक लास्ट सवाल हम लोग हल कर लेते हैं, जो कि लास्ट सवाल रहेगा। तो चलिए, 1 बटे 3 है एक्स प्लस वाई, ऐसे 3x प्लस वाई है, फिर क्या है प्लस 1 बटे 3x माइनस वाई है बराबर कितना है 3 बटे 4 है ठीक। फिर उसके बाद क्या है, अगला समीकरण ध्यान दीजिएगा, 1 बटे 2 है, फिर 3x प्लस वाई है ठीक, उसके बाद क्या है माइनस 1 बटे 2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1 बटे कितना है 8 है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को देख के घबराइएगा मत, और इस सवाल पे आप स्टार लगाना चाहिए तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार या 4 स्टार जो भी देना हो, 5 स्टार भी दे सकते हैं, उस ग्रेड का ये क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। अगर अभी भी क्लास को शेयर नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए हम आज इस सवाल को एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में, फाड़ू लैंग्वेज में समझाएंगे जिससे आपको आ जाए। चलिए वही पुराना काम करना है। देखिए 1 बटे 3x प्लस वाई क्या दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल कॉमन दिखाई पड़ रहे थे, हम क्या मान लेंगे। चलिए ये समीकरण नंबर आप 1 बनाइए पहले,
और ये क्या बना, ये समीकरण दो बना लिए, बना लिए समीकरण एक और दो। क्या लिखेंगे, एक माना माना एक बटे तीन एक्स प्लस वाई बराबर यू मान लिए, क्या मान लिए, यू मान लिए। समीकरण नंबर कौन सा, तीन। अगला ध्यान दीजिए, एक बटे तीन एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है, एक बटे तीन एक्स माइनस वाई बराबर वी, समीकरण नंबर क्या मान लिए, चार मान लिए। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नॉर्मल सा काम है कि हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक को बदलते हैं। तो समीकरण एक से क्या प्यारे बच्चों, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों, देखिए एक बटे तीन एक्स प्लस वाई है, क्या माने हैं आप, यू माने हैं, तो यू लिख लिए, क्या लिख लिए, यू प्लस इसको क्या माने हैं, वी, तो वी बराबर कितना है, तीन बटे चार, चार का मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो चार का मल्टीप्लाई यू से करेंगे तो चार यू, फिर यहाँ चार वी बराबर तीन हो जाएगा, ये चार यहाँ सट गए, चार का मल्टीप्लाई किया, चार चार से कैंसिल। समीकरण नंबर कौन से आ गए प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर आ गए पाँच, कौन से आ गए, समीकरण नंबर पाँच आ गए। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, फिर से अब लोग समीकरण दो को देखेंगे, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या करा है, यहाँ इसको पूरे को आपने क्या माना है, यू माना है, तो क्या हो जाएगा, यू बटे दो हो गए प्यारे बच्चों। फिर देखिएगा माइनस है, इतने को आपने v माना है, तो माइनस v बटे दो हो गए प्यारे बच्चों, बराबर माइनस एक बटे कितना है, आठ है। ठीक, अब आप देखिए दो दो दोनों में कॉमन है, क्या एक बटे दो कॉमन ले ले, u माइनस v बराबर माइनस एक बटे आठ, तो दो एक के दो, दो चौके आठ, कैंसिल हो गए प्यारे बच्चों, u माइनस v बराबर माइनस एक बटे चार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो चार यू माइनस चार वी बराबर माइनस एक, समीकरण नंबर छः कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, आपका अगला सवाल क्या का, इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए चार यू यहाँ पर है, चार यू यहाँ पर है, तो किसी का मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, विलोपन विधि लगाएंगे तो एक पद आराम से विलुप्त हो जाएंगे, तो कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, कौन सी विधि से प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से। तो देखिए क्या है, समीकरण चार सॉरी समीकरण पाँच और समीकरण छः को घटाते हैं, तो समीकरण पाँच माइनस समीकरण छः से, तो डियर स्टूडेंट समीकरण पाँच क्या है, चार यू है प्लस कितना है, चार वी बराबर कितना है, तीन है। सॉरी गाइस, फिर समीकरण छः क्या है, समीकरण छः है चार यू, फिर कितना है माइनस चार वी बराबर कितना है प्यारे बच्चों, माइनस एक है, क्या कर रहे हैं माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, देखिए प्यारे बच्चों ये कैंसिल, चार वी और चार वी जोड़ दिए आठ वी, तीन और एक जोड़ दिए चार, चार एक के चार, चार दूनी आठ, तो टू वी बराबर एक, v बराबर कितना आ गया, एक बटे दो, तो v के मान ज्ञात कर लिए, यही v का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो v का मान समीकरण पांच में रखने पर, v का मान समीकरण पांच में रखने पर, तो समीकरण पांच क्या है प्यारे बच्चों, चार यू है प्लस चार वी है बराबर कितना है, तीन है, ये चार यू फिर चार, वी का मान कितना है, एक बटे दो बराबर तीन, दो एक के दो, दो दूनी चार, तो ये चार यू प्लस दो बराबर तीन, दो उधर चले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो चार यू बराबर तीन माइनस दो हो जाएगा, फिर चार यू बराबर कितना, एक आ जाएगा, फिर प्यारे बच्चों चार इधर चले जाएंगे तो यू बराबर एक बटे चार, तो ये आपका यू का मान आ गया, किसका मान आ गया प्यारे बच्चों, यू का मान आ गया। अब आपको U और V का मान समीकरण तीन और चार में रखना है, तो समीकरण तीन से, समीकरण तीन से, तो प्यारे बच्चों समीकरण तीन क्या है, देखिए एक बटे तीन एक्स प्लस वाई है, कितना है, एक बटे तीन एक्स प्लस वाई बराबर U है, U का मान कितना है, देखिए एक बटे चार है,
एक बटे चार। अब इसको हल कीजिए, तो तीन एक्स प्लस वाई का गुणा एक में कर दोगे तो तीन एक्स प्लस वाई बराबर चार गुणे एक कर देंगे, चार आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ x और y अभी दोनों में आ रहे हैं, तो हमको फिर से समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम लोग समीकरण छः तक बना लिए हैं, अब कौन सा बना लेंगे, समीकरण नंबर सात। समीकरण नंबर कौन सा बना लेंगे प्यारे बच्चों, सात बना लेंगे। फिर अब क्या करते हैं, समीकरण चार से, समीकरण चार से, समीकरण चार से, समीकरण चार से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बटे कितना है तीन एक्स माइनस वाई है बराबर v, v का मान कितना है एक बटे दो है। तो डियर स्टूडेंट अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तीन एक्स माइनस वाई दो का गुणा एक में करोगे दो, तो समीकरण नंबर आठ आ गया। प्यारे बच्चों डरना नहीं है, पुनः हम लोग क्या करते हैं विलोपन लगा देते हैं। कौन सी विधि लगा देते हैं डियर स्टूडेंट, पुनः विलोपन विधि, पुनः समीकरण सात व आठ को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो प्यारे बच्चों समीकरण देखिए इस सात और आठ, तो इन दोनों को केवल घटा दीजिए तो ये खुद ही विलोपन हो जाएंगे। तो समीकरण सात माइनस समीकरण आठ से, तो समीकरण सात क्या है प्यारे बच्चों, तीन एक्स प्लस वाई बराबर चार है। समीकरण आठ क्या है, तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो। क्या करना है, माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, वाई वाई जोड़ दिए कितना आ गया टू वाई, चार में से दो घटा दिए प्यारे बच्चों दो कैंसिल हो गए एक आ गए, वाई बराबर कितना आ गया एक। वाई का मान निकल गया, क्या निकल गया प्यारे बच्चों वाई का मान, और इस वाई का मान हम लोग कहाँ रख देंगे समीकरण आठ या सात में। तो वाई बराबर एक समीकरण आठ में रखने पर, तो आठ कौन है भैया बच्चों, तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो है, तो ये तीन एक्स माइनस वाई, वाई के स्थान पे एक है बराबर दो, एक उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा दो प्लस एक हो जाएगा, तीन एक्स बराबर तीन, तीन से तीन कैंसिल हो गए तो एक आ गया, एक्स बराबर भी क्या आ गया एक आ गया। तो प्यारे बच्चों सवाल लंबा देख के डरिएगा मत, ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो आप इसको जरूर रिपीट कीजिएगा क्योंकि ये स्टार की रेटिंग में इस सवाल को 5 स्टार मिले हैं प्यारे बच्चों, तो उस हिसाब से इसको अभ्यास करिएगा प्यारे बच्चों। आई होप वीडियो आपको आज का जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।